भारत जहां स्थलीय सीमा की कोई कमी नहीं, वहीं दूसरी ओर भारत का दक्षिणी भाग बहुत बड़े समुद्री किनारों से घिरा हुआ है, जिसमें 15,200 किलोमीटर भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा है तथा 7,516.6 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई है, जो अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप को मिलाकर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भारत, जहां राजस्थान ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 को भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, जिसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इन्हीं महासागरों में हमारे 2 द्वीप समूह स्थित है, जहां लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंदिरा बिंदु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वह अंडमान निकोबार में स्थित है, जो वर्ष 2004 में आए सुनामी में जलमग्न हो गया। तथा कन्याकुमारी भारत का वह क्षेत्र है जहां इन तीनों समुद्रों का संगम होता है। भारत के पड़ोसी देश विभिन्न दिशाओं में स्थित है, जो कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश है। साथ ही साथ भारत के दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। बांग्लादेश हमारा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जो कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम को स्पर्श करती है। वहीं पाक जल संधि एवं मनार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। रेड क्लिफ, डूरन रेखा तथा मैकमोहन ऐसी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो भारत को अन्य देशों से पृथक करती है। ये देश कुछ इस प्रकार से हैं: भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा तथा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा।